हमारे वरिष्ठ साथी और मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी, चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप जी, एचसीएल फाइनेंस नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप रांका जी, भास्कर सामंत जी यानी अमित आका जी और पवन अरोड़ा जी, महेंद्र सोनी जी, संचिता जी बिश्नोई, नाथुराम जी, रेखा भास्कर जी, कर्मवीर सिंह जी, आईसीआईसी बैंक और सुखदेव सिंह जी, प्रेसिडेंट हाउस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, सभी लोग बैठे हैं आज और कई लोग बैठे हैं पंत कृषि भवन में भी। मुझे खुशी है कि आज राजस्थान आवासन मंडल ने ऐतिहासिक काम किया है, जिस रूप में उन्होंने करीब 14 विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने का जो निर्णय किया और आज वो संभव हुआ, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। अभी हम सबने देखा प्रेजेंटेशन, जिस रूप में एक के बाद एक जब से मिस्टर पवन अरोड़ा को जिम्मेवारी दी गई है और जब से धारीवाल जी का मार्गदर्शन मिला है, मैं समझता हूँ कि जो अपेक्षा थी उनसे उनसे ज्यादा अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। इस प्रकार अगर कोई अधिकारी ठान ले कि मैं मेरी टीम के साथ में चैलेंज को स्वीकार करता हूं, तो मेरे ख्याल से कई संस्थाएं जो है जो कई कारणों से तकलीफ में आ जाती है, उनका भी कायाकल्प हो सकता है। अभी धारीवाल जी बार बार कह रहे थे कि किस प्रकार से पिछली गवर्नमेंट ने व्हाइट एलिफेंट के रूप में इसको समझा, किस रूप में इसको हाउसिंग बोर्ड बंद करने नौबत आने की बात आने लग गई। हम लोग उस वक्त में देखते थे मीडिया के अंदर, आलोचना भी करते थे और मेरे समझ के परे भी है, ये तो मुख्य सचिव जी को भी मालूम करेंगे कि 20,000 मकान बन जाए है और ये बिना बिके हुए पड़े रहे, ये अपना भी जांच का विषय होना चाहिए कि उस वक्त कौन अधिकारी थे, किसकी जिम्मेवारी थी, मकान क्यों बनाते गए और बिके क्यों नहीं, जबकि रजिस्ट्रेशन होता है, जब से हाउसिंग बोर्ड बना है तब से रजिस्ट्रेशन होता है। क्या क्वालिटी के कारण से गड़बड़ हुआ या और कोई कारण थे, मेरी समझ के परे है, या ऐसा माहौल बन गया हाउसिंग बोर्ड के मकान लेना तो कोई मायने रखता ही नहीं, लेना चाहिए नहीं, क्योंकि जिन्होंने लिया वो बहुत तकलीफ आए होंगे क्वालिटी कारण से, एक हवा बन गई होगी कि हाउसिंग बोर्ड से देखो ही मत। मेरी ख्याल से उन्होंने कारण ही 20,000 मकान किसे कहते हैं और मकान की जरूरत किसको नहीं है, हर व्यक्ति या तो मेरा अपना मकान बने, तो 20,000 मकान पहने पड़े रहे, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जब से आपने प्रयास शुरू किया, कम अर्से के अंदर आपने अगर 6,000 मकान बेचे हैं और बाकी जो माहौल बना है, सवाल ये नहीं कि 20,000 में 6,000 बिक गए, सवाल ये है कि जो माहौल बदला आपने और आपकी पूरी टीम ने, उसके कारण से आने वाले वक्त में हाउसिंग बोर्ड की वहां पर गुडविल जमी है और जमेगी, इसका हम लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो सपना वास्तव में 50 साल पहले देखा गया था मोहनदास सुगाड़े जी के वक्त में, जब दागदा जी पूरी थे, जोधपुर के थे वो, मैं जानता था उनको, हम बहुत बचपन देखा करते थे उनको, फ्रीडम फाइटर भी थे वो, तो वो प्रथम अध्यक्ष बने आपके, तो मेरे ख्याल से सपना उनका क्या था, उस वक्त गवर्नमेंट का भी होगा और पब्लिक की आशा अपेक्षा भी होगी कि राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर हाउसिंग बोर्ड के माध्यम हमें मकान मिलेगा कभी का भी, पर वो आशाएं जिस रूप में मैं समझता हूँ कि 50 साल के बाद में भी जिस रूप में अपेक्षा की गई थी उस पर हम लोग खड़े नहीं उतरे, इसलिए 20,000 मकान बन के पड़े रहे। अब एक नई शुरुआत जो की गई आपने, मैं समझता हूँ कि 50% छूट दी गई, एमनेस्टी की योजनाएं अब ला रहे हैं, जो कुछ करना करो, पर मैं चाहूंगा
कि 50 साल पहले जो सपना था उसको पुनर्जीवित करूं पब्लिक के लिए, पब्लिक निगाह के लिए, कि पब्लिक में दिमाग आए अब हमारे बंदी है, कभी न कभी मकान हमारा अपना होगा। वे तो JDA, UIT और नगर निगम कुछ करते रहते हैं, पर वो काम उनका नहीं है, वो काम हाउसिंग बोर्ड का है, नाम भी हाउसिंग बोर्ड है। तो इसको अगर आप और कोई आपका सपना हो पूरे सब साथियों का, या आप लोगों की सोच हो सब लोगों की, तो आप मंत्री जी से बात करो कि किस रूप में बड़े स्केल पे, बड़े स्केल में क्या हम लोग, ये पिछली गवर्नमेंट हमारी थी, हमने उनको से लोन लेके 6 लाख मकान बनाने का बीड़ा उठाया था, धन्यवाद जी ने तो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास भी किया था, और वो भी वो सपना होता है मकान का। प्रधानमंत्री योजना मंत्री आवास योजना मंत्री है, इंदिरा गांधी के नाम से योजना आवास योजना, तो कहने का मतलब कि आज भी आबादी के अनुसार इसकी जरूरत है। कैपेसिटी कितनी है ये मैं नहीं समझ सकता, वो तो आप लोग तय करेंगे मंत्री जी के साथ में। और आपका जो संस्था का नाम में बोल गया आवास विकास को संस्थान थी, आपकी सब्सिडी हाउसिंग बोर्ड की, वो बंद हो गई थी जब 20 साल पहले हम लोग सरकार बने थी हमारी, तब आधारीवादी मंत्री थे विभाग के, तब हमने उन सबको एडजस्ट किया, नौकरी से किसी को जाने नहीं दिया, हमने बंद किया वो संस्थान उनकी अपनी कमियों से, परंतु नौकरी से निकाला किसी को नहीं। वो भी एक इतिहास था कि कुछ संस्थान बंद होने के बाद में उनको हमने रिटायर नहीं किया, घर नहीं बैठाया, परंतु वो जो संस्थान था क्या उसकी अच्छी कोई संस्थान जरूरत है आपको? अगर दारीवाड़ी भी कह देंगे नहीं आपको तो सब जगह करना पड़ेगा पूरे राजस्थान के अंदर, तो मास्टर प्लानिंग करने की आप सोचें, क्या मास्टर प्लानिंग के आधार पर, जमाना बदल गया, IT का जमाना भी आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना है, माहौल बदल गया देश और दुनिया का, हर एक कोरोना ने रोक लगा दिए सब पे, वो अलग बात है, कोरोना कब तक चलता है टाइम बताएगा, परंतु हमारी सोच होनी चाहिए कि अब जमाना बदल गया है, 21st century में आ गए हैं। जो राजीव गांधी का सपना था कि हम भी विकसित राष्ट्रों की तरह क्यों नहीं हिंदुस्तान को नई शताब्दी में हम लोग बनाए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सपना आप भी देखो, हर जिले में छोटे कस्बे में आपने कई जगह आवास योजना बनाई है, अच्छा लगा मुझे, तो क्यों नहीं हम जनता की आशा अपेक्षा के अनुरूप जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दे जनता वहां पे आपका, क्योंकि आजकल तो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट सब होता है, मैनेजमेंट की बात है, और मैनेजमेंट में जो अभी तक आपने 1 साल हुआ होगा मेरे ख्याल आपको लगे हुए, मेरे ख्याल धारीवाल जी 1 साल में जो हमें अपेक्षा करते थे हाउसिंग बोर्ड से उससे कई गुना ज्यादा अच्छा काम किया है। असल में तो 9 महीने में ही चालू किया सब काम, 1 साल पहले तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ, वो ट्रेनिंग में चले गए, असल में 9 महीने, और 9 महीने में भी ये 3 महीने जो है वो कोरोना के निकल गए, लेकिन कोरोना के दौरान भी जो है वो 80% 70% काम चलता रहा। कोरोना के दरमियान हाउसिंग बोर्ड ने अच्छा काम किया, और कोरोना के दरमियान धारीवाली ने अच्छा काम किया, ये हमारे वहाँ पॉलिटिकल जो माहौल था उसमें हमारे साथ रहते भी थे, अपने विभाग का काम भी करते थे और फैसले भी करते थे, अपने डिपार्टमेंट के सारे फैसले करते भी थे, और पूरे देश राजस्थान को मालूम है कि कई फैसले ऐसे हुए हैं इन विभाग के उसके दरमियान भी हुए। तो इसलिए क्या है कि मैं चाहूंगा कि आप ऐसा सपना देखो कि जनता को लगे कि अगर हाउसिंग बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और टाइम बाउंड, वो भी टाइम बाउंड 1 साल 2 साल 3 साल जो आपकी मर्जी है, परंतु उस वक्त उसको मकान मिले और क्वालिटी का मिले, मकान चाहे कम बनाओ या आप क्या कहते हैं रेट फिक्स ऐसी करो, परंतु क्वालिटी के बगैर लोग बहुत तकलीफ पाते हैं। मैंने भी हाउसिंग बोर्ड का मकान लिया हुआ है, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तो मुझे भी अलॉट हुआ था मानसोर में, और क्या उसकी दुर्गति थी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्या दुर्गति थी उसकी, और सब लोगों ने बेचारे ने पैसा लगा छोटा बड़े में लायक बनाया उनको, तो इसलिए जब मैं खुद अपना अनुभव बता सकता हूँ, उसमें से करीब मेरे 90,000 मकान मिला था किस्तों में, और ब्याज सहित 1.25 लाख रुपए ले लिया आपने मुझसे, क्योंकि वो हाइपोथिकेशन का ऐसा मामला होता है,
अगर आप किस्तम लेते हो तो बर्बाद रहता है आदमी, क्योंकि वो बिहार के पता नहीं, वो मैं जब सेकेंड में रुका था, मैं कभी ये यार मैंने 2-4-5 बार पैसे जमा करवा दिए, अभी भी मेरा इतना इतना पैसा बाकी क्यों है। तो आप कोई अकाउंटेंट था, उसने आगे मुझे बताया पूरी टेबल, टेबल उल्टी घूमती है। अगर आपका 2000 किस्त है तो 1800 रुपये तो ब्याज के और 200 मूल के है। वो टेबल में देखी घूमते घूमते नीचे तक आ गई और मेरे पैसे बर्बाद हो गए सारे। तो मेरे ख्याल 90,000 का मकान है, 40 में बड़ा होगा 90, ऐसे कुछ याद है मुझे। तो कहने का मतलब है कि कृपा करके आप लोग नए सिरे से ऐसा काम करो, हाउसिंग बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अलग पहचान बन जाए, ये मेरा सपना रहेगा। उस रूप में आप इस काम को करें और मेरे ख्याल कहें, जितनी आपने बुकलेट दे दी एक के बाद कि सबके बारे में बोलना संभव नहीं है, पर ये दर्शाता है कि आप जो है आप किस रूप में शिक्षकों का भी ध्यान रख लिया आपने, चौपाटी का ध्यान रख लिया, आयुष का ध्यान रख लिया, कोचिंग हब का ध्यान रख लिया, सिटी पार्क शानदार बन रहा है, सिटी पार्क बहुत ही अच्छा बन जाएगा। धारीवाली जो वो पहले वाले सिटी पार्क बना अपना सेंट्रल पार्क, आज पूरा सभी लोग उसको याद करते हैं, मतलब सेंट्रल पार्क ऐसी चीज होगी जो पूरी पहचान बन गई है पूरे देश के अंदर। उसी प्रकार आने वाले वक्त में आपकी नई पहचान बनेगी। हाउसिंग बोर्ड इसमें ले रहा है तो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। इतने लंबी बात तो मैं क्या कहूँ, खाली मुझे आप इतने कहना है, क्वालिटी, टाइम बाउंड और एक्सपेंशन, तीन बातें आप करके इसको आगे बढ़ाओ तो मैं समझता हूँ कि लोगों को सौगात मिलेगी और हमारी गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस हम चाहते दावा करते हैं कि गुड गवर्नेंस हमारी है या होनी चाहिए और ज़्यादा अच्छी, तो गुड गवर्नेंस में अगर आम लोगों का सपना जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो भी है, जो जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से कोई ऐसा सपना पूरा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी गुड गवर्नेंस में हाउसिंग बोर्ड की बहुत बड़ी भागीदारी हो जाएगी। यही बात कहता हूँ अपने आप मंत्री जी को, आप सबको बहुत बहुत बधाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्पीड आपने पकड़ी है वो और तेज गति से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद धन्यवाद। तो थ्री पार्टी इसमें जो भी नया निर्माण हाउसिंग बोर्ड के द्वारा होगा उसकी थ्री पार्टी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो रहा है सर, उसका बिल्कुल MNIT को जैसे जयपुर में नियमित रूप से। मैं हाउसिंग बोर्ड की तरफ से और मेरे विभाग की तरफ से आपको आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इंद्रदेव बाढ़ तो बारिश कर रहे हैं और यहाँ आपने शुभारंभ की और उनके शिलान्यासों की बारिश कर दी। सर अब कृपया हमें वृक्ष प्रदान करें, बाहर कल्पवृक्ष का जोड़ा और रुद्राक्ष के पेड़ हैं जिसको हम सिटी पार्क में जाके लगाएंगे। आप सभी यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके।